फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला टिड्डी दल गुजरात और महाराष्ट्र से होता हुआ सिंगरौली तक पहुंच गया, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इस बीच टिड्डी दल को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। कोरोना महामारी के बीच टिड्डियों ने किसानों के साथ प्रशासन को मुसीबत में डाल दिया है। पाकिस्तान के रास्ते से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र होते हुए ये टिड्डी दल अब मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पहुंच गया है। टिड्डी को लेकर चितरंगी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इनको भगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि तेज ध्वनि करने से टिड्डी दूर भागते हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा रासायनिक पदार्थों का भी छिड़काव किया जा रहा है। इस दौरान सभी को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी दल का प्रवेश हो चुका है। अब ये दल सिंगरौली से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।